देश में चैट जीपीटी जैसे एआई इनेबल्ड स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये लोगों की मदद के लिए बनाए गए टूल्स हैं, लेकिन फिर भी इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से भारत समेत दुनिया भर की सरकारें काफी ज्यादा चिंतित हैं और ऐसी कोशिशों में लगी हैं जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। भारत सरकार ने भी इस पर लगाम लगाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया है। इसके लिए मंगलवार को कम्युनिकेशंस एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआई प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव देश में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के कई देशों की इस पर नजर भी है। दुनिया भर के देशों के बीच चर्चा के बाद इस बारे में एक नया फ्रेमवर्क बनाने की भी जरूरत है। इसके अलावा यूरोपियन और अमेरिकन रेगुलेटर्स इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर शिकंजा कसने के लिए पहले से ही कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड में सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉडस्टर्स को, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। एंड दिस इज जस्ट ओनली अभी तक कितना 2/3 ऑफ द एंटायर कनेक्शंस या अबाउट हाफ ऑफ द एंटायर कनेक्शंस हैव सो फार बीन रन ऑन दिस एआई एल्गोरिथम। देयर विल बी मोर such frauds which will be detected. So these are the three major reforms which we are very happy to share with you. It fits very well into the Prime Minister's vision of making sure that telecom sector in India is globally benchmarked and each and every citizen using telecom services should be feeling secure. अश्विनी वैष्णव का मानना है कि G7 देशों के डिजिटल मिनिस्टर इस बात को लेकर गंभीर हैं और इसके लिए किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए ये दुनिया का विषय है। ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखने की भी जरूरत है। आईटी मिनिस्टर का कहना है कि एआई से देश में बड़े स्तर पर नौकरियों पर भी संकट पैदा हो सकता है। इससे आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं देश के लोगों को इस बात की चिंता है कि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से कहीं उनका जीवन जीने का तरीका ही पूरी तरह से ना बदल जाए। इस तरह के पावरफुल एआई सिस्टम के खतरों को कम करने और इसके प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए सरकार की भूमिका काफी अहम है। बता दें कि चैट जीपीटी को स्टार्टअप कंपनी ओपन एआई ने डेवलप किया है। इसे पिछले साल 2022 के आखिर में लॉन्च किया गया था और पहले 5 दिनों में ही इसके 10 लाख से ज्यादा यूजर बन गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी में अरबों डॉलर का निवेश किया है, साथ ही उसने अपने प्रोडक्ट्स में इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट भी किया है। गूगल भी अपने जनरेटिव एआई बार्ड को विकसित कर रहा है। हालांकि अगर दुनिया भर के रेगुलेटर्स की बात करें तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस और बढ़ते चलन से वो भी चिंतित हैं। साथ ही उन्हें डर है कि इससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है और इसके साथ ही फर्जी खबरें भी फैलाई जा सकती हैं और कॉपीराइट का भी उल्लंघन हो सकता है। और सिर्फ सरकारें ही क्यों, जिन्होंने इसे बनाया है या जो इसके मालिक हैं, वो भी इसके खतरों से वाकिफ हैं। सोमवार को ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अमेरिकी संसद में अपनी पेशी में कहा है कि पावरफुल एआई सिस्टम के खतरों को कम करने के लिए सरकार की भूमिका सबसे अहम है। यानी कि एआई के सीईओ भी ये मानते हैं कि इस पर कुछ ऐसी बंदिशें तो होनी चाहिए जिससे ये नुकसान ना पहुंचा सके। और हालांकि इस पर रिसर्च अभी भी चालू है, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल और बढ़ने की भी उम्मीद है। तो इससे पहले कि ये लोगों के लिए खतरा बन जाए, सरकार को इसके लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो तैयार करना ही चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है कि